Welcome everyone. Today this our session is safety induction and orientation. So first of all, when you will come on the site, you should have proper PPEs. You know the PPEs, personal protective equipment. You have helmet, shoes, goggles, safety jacket. You should have this one. This is very mandatory. Okay. After this, first of all, when you will come in the site, there is your supervisor or foreman. He will give you toolbox talk. You know the toolbox talk. There is a safety meeting, toolbox talk, and the supervisor or foreman will give you the safety toolbox talk, and he will inform you about your work, about your hazards of the work. He will inform you by safety toolbox talk. Then there is some facilities on the site, smoking shelter and eating shelter. So you will not smoke everywhere. You will smoke in smoke shelter. सबसे पहले आपको पीपी पहन के आना है. प्रॉपर पीपी सारे होने चाहिए. सेफ्टी हेलमेट, शूज, गॉगल्स, सेफ्टी जैकेट. उसके बाद टूलबॉक्स टॉक मीटिंग होगी. आपका सुपरवाइजर, आपका फोरमैन आपको देगा सेफ्टी टूलबॉक्स टॉक. आपको बताएगा काम के बारे में कि आज क्या काम है और आज काम के अंदर क्या खतरा है, क्या हैजर्ड है, वो सब आपको बताएगा. उसके बाद में जो हमारे यहाँ साइट पर फैसिलिटीज होती है उसका आपको पता होना चाहिए. स्मोकिंग शेल्टर का, खाने का शेल्टर, जहां पे खाने का शेल्टर है, खाने की जगह बताई गई, आपको वही खाना खाना है. जगह जगह खाना नहीं खाना है. स्मोकिंग करने के लिए स्मोकिंग शेल्टर में जाकर आपको स्मोकिंग करनी है. साइट पे कहीं भी स्मोकिंग नहीं करनी है. इसके अलावा हॉर्स प्ले एंड फाइटिंग नॉट अलाउड ऑन द साइट. हॉर्स प्ले क्या होता है? पीसी से मस्ती मजाक, धक्का देना उसको, ये सब हॉर्स प्ले में आता है. और फाइटिंग का आप लोग जानते हैं कि लड़ाई झगड़ा जो होता है दूसरे के साथ, वो नहीं करना है. गालम गलूच भी नहीं करना है. गाली लोग देते हैं दूसरे को, ये सबसे फिर झगड़ा स्टार्ट हो जाता है. इसलिए तरीके से काम करना है. यहाँ पे रहना है तो सबसे प्यार मोहब्बत से, इज्जत से सबके साथ. एक दूसरे की आप लोग इज्जत करेंगे तो काम चलेगा. उसके बाद में पावर टूल्स जो है, बिफोर यूज यू विल इंस्पेक्ट योर पावर टूल्स एंड वर्कर मस्ट नो हाउ टू यूज द पावर टूल्स. व्हेन यू विल फर्स्ट यू विल कम हियर, यू विल नो हाउ टू ऑपरेट द पावर टूल्स बिकॉज इट्स वेरी रिस्की. जो पावर टूल्स है वो जब आप पहली दफा इस्तेमाल करोगे आके, तो आपको नहीं पता होगा कि उसके बारे में कि कैसे इस्तेमाल करना है इसको. तो उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, किसी से नोहाव लेके उसको चलाना है. अदरवाइज इट्स वेरी डेंजरस. आपको पता है ये बहुत डेंजर है. कोई भी पावर टूल्स है वो कोई किसी भी कोई भी इंसिडेंट कर सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है ना उससे, अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हो पावर टूल्स के बारे में. पावर टूल्स की इंस्पेक्शन भी हर महीने होती है. पावर टूल्स की इंस्पेक्शन करके आपको यूज करना है कि प्रॉपर उसका प्लग है, उसका केबल वायर प्रॉपर है, कोई कट तो नहीं है केबल वायर में, कोई ज्वाइंट तो नहीं है. ये सारा चीज चेक करके आपने, और उसमें जो पावर टूल्स में सेफ्टी गार्ड होता है जो आपको बचाता है, वो सेफ्टी गार्ड होना चाहिए उसमें प्रॉपर, तो भी आपको चेक करना है. इसके अलावा लिफ्टिंग इक्विपमेंट जो साइड पे होते हैं, हमेशा लिफ्टिंग इक्विपमेंट जो यूज हो रहा होता है उसको आपने पास बाय नहीं करना, उसके नीचे से नहीं जाना है. कोई क्रेन या कोई ग्रूम ट्रक वेट उठा के उसने रखा हुआ है तो आपको उसके नीचे से नहीं गुजरना है, उसके पास में भी काम नहीं करना है, ठीक है. इसके अलावा वर्क एट हाइट, ऊंचाई पे काम कर रहे हो वर्क एट हाइट, तो आपको सबसे पहले फॉल प्रोटेक्शन चाहिए. सबसे पहले आपके जहन में आएगा कि हम ऊपर में सबसे पहले क्या प्रोटेक्शन होनी चाहिए आपकी, कि आप गिरोगे तो गिरने से बच सको. इसको बोलते हैं फॉल प्रोटेक्शन. फॉल प्रोटेक्शन के लिए आपके जहन में सबसे पहले आना चाहिए सेफ्टी बेल्ट हार्नेस.
जब हम यूज करते हैं, या फिर प्रॉपर स्कैफोल्डिंग होना चाहिए ताकि आप उस पर आराम से काम कर सको। लेकिन अगर आप स्कैफोल्डिंग पे भी काम कर रहे हो तब भी आपने सेफ्टी हार्नेस बेल्ट पहनना है आपको। मैन लिफ्ट पे काम कर रहे हो तो भी आपको सेफ्टी हार्नेस बेल्ट पहनना है फॉल प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद आपको अगर एक्सेवेशन हो रही है साइड पे तो एक्सेवेशन की सेफ्टी होती है। सबसे पहले एक्सेवेशन अगर 1.2 मीटर से ज्यादा है तो वो कन्फाइंड स्पेस में आ जाती है, कन्फाइंड स्पेस में इसको माना जाता है। उसके लिए प्रॉपर रूल्स हैं, रेगुलेशन है कि कन्फाइंड स्पेस में कैसे काम करना है, आपको कैसे जाना है। प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए, जाने का रास्ता आने का रास्ता प्रॉपर होना चाहिए, आप इजीली कन्फाइंड स्पेस में एक्सिबिशन में जा सको और बाहर वापस आ सको। उसके बाद में उसका जाने से पहले उसका गैस टेस्ट होता है कन्फाइंड स्पेस का, कि गैस टेस्ट करके कोई वहां पे डेंजरस गैस तो नहीं है, कोई हैजर्डस गैस तो नहीं है, कोई टॉक्सिक गैस तो नहीं अंदर जिससे हम लोग को खतरा होता है। वो आके गैस टेस्टर से गैस टेस्ट करने वाला बंदा जाके गैस टेस्ट करके आएगा, बताएगा कि अभी ये क्लियर है, इसमें कोई टॉक्सिक गैस नहीं है, फिर आप काम कर सकते हो जाके। और उसने ऑक्सीजन का लेवल भी देखेगा, वो ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए, 19.5 से 21.5 तक, इसके इन बिटवीन होगा तो आप आराम से काम कर सकते हो, वो आपके लिए सुइटेबल है ऑक्सीजन। उसके बाद में एक स्टैंड बाई मैन होना चाहिए, जो आदमी प्रॉपर आपका एक्सेस नोट कर रहा हो, कितने आदमी अंदर जाके काम कर रहे हैं, कितने आदमी बाहर आ रहे हैं, प्रॉपर उसका नोट करेगा, टाइम नेम सारा प्रॉपर उसके पास डेटा होगा, वो जरूरी है। उसके बाद में ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पता होने चाहिए साइड के। सबसे पहले आप गाड़ी में बैठे सीट बेल्ट लगाने, आपको सीट बेल्ट लाजमी है। उसके बाद में आपको स्पीड का देखना है, जो भी ड्राइवर है जो ड्राइविंग करते हैं, स्पीड आपकी जो मेन एक्सेस है, जो मेन एक्सेस होती है साइड्स की, उनमें 30 स्पीड होती है, लेकिन इनसाइड द वर्क, ये जो वर्क हो रहा है साइड में, यहां पर 20 स्पीड होती है, नियर द कंस्ट्रक्शन एरिया और नियर द वर्क एरिया 20 स्पीड। उसके बाद में अगर कोई साइड पे कोई इंसिडेंट या इंजरी हो जाती है, If any incident or injury, you must inform your supervisor. अगर कोई भी हादसा हो जाता है तो आपको अपने फोरमैन को बताना है कि ये चीज हो गई है, ठीक है ना, उसको हाइड नहीं करना है, उसको छुपाना नहीं है, इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म करना है। यू शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म टू योर सुपरवाइजर, देर इज सम इंसिडेंट, देर इज सम इंजरी लाइक दिस। एंड फॉर द हाउस कीपिंग, very very important, very essential in the work site, in the construction site, housekeeping very important, housekeeping जो है बहुत जरूरी है construction site पे। आपको पता है nails होती है यहाँ पर, steel होता है, सब danger है, hazards है सब, you should remove this first of all and regularly do the housekeeping every day, must be। उसके बाद में जो चीजें आपकी होती हैं, स्टैकिंग एंड स्टोरेज मस्ट बी प्रॉपरली, फूड स्टील एनी मटेरियल स्टैकिंग एंड स्टोरेज प्रॉपरली, प्रॉपरली आपको स्टैकिंग स्टोरेज करना है। कोई भी वुड है, लकड़ी है, लोहा है, स्टील है, कोई भी चीज है, जो भी मटेरियल है साइड पे, उसकी स्टैकिंग प्रॉपर करके उसको एक साइड में रखना है आपको। उसके बाद में गैस सिलेंडर जो होता है उसकी सेफ्टी भी जरूरी है, गैस सिलेंडर के ऊपर कैप होता है, कैप लगा होना चाहिए इसको। इसके अलावा अपराइट पोजीशन पे होना चाहिए, द गैस सिलेंडर मस्ट बी अपराइट पोजीशन, सीधा खड़ा होना चाहिए इसको, लिटा के नहीं रखना इसको। और गैस सिलेंडर मस्ट बी इन गैस ट्रॉली, ट्रॉली में होना चाहिए, वो गैस की ट्रॉली आती है उसको चेन के साथ बांधा हुआ होना चाहिए ताकि सिलेंडर गिरे ना। इसके अलावा हॉट वर्क जब आप साइट पे करते हो तो हॉट वर्क परमिट बनेगा। कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें हॉट वर्क हो रहा है, जैसे कोई
चिंगारी है या कोई ऐसी ऐसा काम हो रहा है, कटिंग, ग्राइंडिंग, चिपिंग, ये सब हॉट वर्क में आ जाता है। या आप कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, तो बस हॉट वर्क में आ जाता है। हॉट वर्क की सेफ्टी क्या है? सबसे पहले कि आपके पास जहां काम कर रहे हो, चिपिंग, ग्राइंडिंग और ये सब काम कर रहे हो, तो फेस शील्ड होना चाहिए आपके पास, प्रॉपर हैंड ग्लव्स होना चाहिए, प्रॉपर पीपीईज होना चाहिए। इसके अलावा फायर सेफ्टी के लिए हॉट वर्क में आपके पास यू मस्ट हैव वन फायर एक्सटिंग्विशर नियर योर वर्क एरिया एंड इधर कैमरा बिल्कुल ठीक अदर वन। हॉट वर्क के लिए फायर ब्लैंकेट होना चाहिए आपके पास जहां पे हॉट वर्क हो रहा है। उसके बाद में मोबाइल फोन ऑन द वर्क साइट एंड ड्यूरिंग द वर्क नॉट अलाउड। मोबाइल फोन मस्ट बी स्विच ऑफ ड्यूरिंग द वर्क। थैंक यू वेरी मच, दिस इज आवर एंड ऑफ आवर इंडक्शन एंड ऑरिएंटेशन। थैंक यू वेरी मच।